ग्राम पंचायत पेंद्री के उप सरपंच पंच सहित ग्रामवासियों ने जिला पंचायत दुर्ग में लगे जन समस्या निवारण शिविर में उपस्थित होकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि उन लोगों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत पर अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। साथ ही उप सरपंच सहित ग्राम वासियों ने यह भी मांग रखी कि शिकायत की जांच जनपद स्तर पर न होकर जिला पंचायत स्तर से कराई जाए। कुछ दिन पहले ग्राम पंचायत लेकिया में जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन प्रशासन के द्वारा किया गया। उसमें आप जो बोल रहे हैं वो आवेदन हमको मिला है और पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इसमें निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए जांच दल का गठन जिला पंचायत से किया गया है। क्योंकि ये काम जनपद में हुआ है, इसलिए जनपद के किसी अधिकारी या कर्मचारी को हमने जांच में नहीं लगाया है। निष्पक्ष जांच के लिए जिला स्तरीय टीम बनी है और जांच में जो भी अनियमितता पाई जाएगी आप निश्चिंत रहें और सभी निश्चिंत रहें, जिस तरह की अनियमितता पाई जाएगी उसी अनुपात में उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। किरण कुमार कौशिक, वर्तमान में मैं सीओ जनपद पंचायत अंधार के तौर पर यहाँ पे कार्यरत हूँ। नाम मेरा कौशल साहू है और वर्तमान में ग्राम पंचायत पिंडी का पंच हूँ और इससे पहले मैं सरपंच था। तो ये मररिंगा के तहत ये रोड बना है WBM, जिसका राशि स्वीकृति हुआ है 20 लाख रुपए और इसका जो लंबाई है 1 किलोमीटर का है। लेकिन 20 लाख स्वीकृति तो हुआ है, 1 किलोमीटर लंबाई है, ठीक है, लेकिन न तो इसमें ढंग से गिट्टी डला है न तो मुरम डला है। इसके क्वांटिटी के हिसाब से 1 फीट गिट्टी डलना था और इसमें भी 2-3 क्वालिटी का गिट्टी डलना है, 1 इंच का, 2 इंच का, 4 इंच का, ऐसा कुछ बता रहे थे इंजीनियर साहब। लेकिन मुरम भी डलना है तो मुरम जो डाले हैं वो बिल्कुल मिट्टी मिट्टी मटासी मिट्टी ला के डाले हैं, ये तो ये है। लेकिन ये 4 सीता के दरमियान इस रोड को चालू किए हैं, 6वें महीने में, पिछले महीने में चालू किए हैं, लेकिन इस रोड का बिल 2 महीने में लगा दिए थे हमारे सरपंच सचिव और इंजीनियर और PO के द्वारा 2 महीने में बिल लगा दिए थे। 3 महीने में मूल्यांकन किए और 4 महीने में इसका पैसा निकाल दिए गए। लेकिन इस रोड में न तो 1 ठो गिट्टी डला हुआ था न 1 मुठा मुरम डला हुआ था, इसमें गिट्टी और मुरम 6वें महीने में डला है और मूल्यांकन सत्यापन 4 महीने में हो गए थे। तो इसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुए हैं। इसमें सरपंच और सचिव और इंजीनियर और PO, ये CO, ये 5 व्यक्ति का इसमें मिली भगत है। ऐसा ऐसा 2-4 पंचायत में और हुआ है, हमारे धंधा का जो जनपद पंचायत है इसमें ऐसी बहुत सारे पंचायतों में भ्रष्ट है। लेकिन मैं बाकी जगह को नहीं गिनाना चाहता हूँ, मैं अपने ग्राम पंचायत का जो रोड बना है जो ये 20 लाख का है तो इसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता हुआ है और इसके जाँच के लिए हम लोग पहले तो मैं अवगत कराया पंचायत के एक पंच हूँ, एक जनप्रति होने के नाते मैं CO साहब को भी अवगत कराया जनपद में जाकर के, PO साहब को अवगत कराया, इंजीनियर साहब को अवगत कराए कि सर ऐसा ऐसा है, इतना मैं भी काम कर रहा हूँ WBM, लेकिन इतना भ्रष्टाचार हम लोग नहीं किया है जैसे आप लोग किए हो। तो इसमें 16 ट्रिप गिट्टी डाला हुआ है और 27 ट्रिप मुरम मात्र, इसमें हम लोग जोड़े ना तो 1,20,000 कुछ रुपया है जबकि स्वीकृति हुआ है 20 लाख रुपया। तो मैं CO साहब को, PO को, इंजीनियर को अवगत कराया हूँ, लेकिन इन लोग नहीं कुछ किए ना, तब मैं जाके शिकायत किए। कहाँ शिकायत किए, हम लोग लिटिया में शिविर था, जन समस्या निवारण शिविर था, उसमें जाके हम लोग गाँव वाले कुछ हमारे पंच लोग गए थे, हम लोग गए थे 30-35 लोग, तो कलेक्टर महोदय को हम लोग जिलाधीश जी को अवगत कराए तो उन्होंने आश्वासन दिया कि 2-3 दिन के अंदर मैं इसको जांच कराता हूं और जो दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे करके। लेकिन आज तक न कार्रवाई हुआ है न जांच हुआ है। मैं और दूसरे बार और कलेक्टर को वहां दुर्ग में जाके आ गया तो वो नहीं थे, तो उसके असिस्टेंट को मैं और आवेदन दिया हूँ, SDM साहब को और 2 बार मैं अवगत करा हूँ, शिविर में आवेदन देने के बाद SDM साहब को अवगत, 3 बार CO साहब को और अवगत करा चुका हूँ कि सर उसको जाँच कब करा रहे हो, कब जाँच करा रहे हो, लेकिन बस कराएंगे, टीम मर रहा है ऐसे बोल रहा है। कल वर्तमान में हम लोग गांव वाले को लेके कुछ पंच लोग गए थे और विधायक महोदय को फिर मैं अवगत कराया हूँ कि ऐसा ऐसा बात है सर, जिला पंचायत CO जी को आप बोल दो कि उस रोड को जांच करें और जो दोषी पाते हैं हमारा सरपंच सचिव और इंजीनियर PO CO इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए करके। लेकिन न तो आज भी आए इस रोड को देखने या कुछ, तो अगर 1 हफ्ते में इस रोड का अगर जाँच नहीं होता है, जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो मैं और हमारे गाँव वाले, हम लोग पंचायत बड़े, पूरा जनपद के सामने जो मेन रोड है दुर्गा और बेमेत रोड, वह हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।